No. शिल्पा मैम आ रही है आज, शिल्पा शेट्टी जी के साथ एक शो किया था हमने, हियर मी लव मी, भूल गया कहाँ पे आता था, कहाँ पर था वो। हाँ तो आज शिल्पा शेट्टी जी आ रही हैं, उनसे मुलाकात करने का ज़िंदगी में दूसरी बार मौका मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने एक शो किया था हियर मी लव मी, OTT पे था वो भी, और लव शो था। एक तो ये सारे शो मेरी ज़िंदगी में लव वाले क्यों आते हैं यार, पर हमारी ज़िंदगी में लव नहीं है। कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रानी नहीं है ना, इसलिए पत्तों में भी नहीं आती। जिस दिन ज़िंदगी में आ जाएगी उस दिन पत्तों में भी आ जाएगी। तो आज रानी जी आई हैं अंदर, उनसे मुलाकात करेंगे दूसरी बार ज़िंदगी में। और चार पाँच साल पहले मिला था, किया था शो, और आज इतने सालों बाद कुछ मुकाम हासिल करने के बाद, तब भी स्ट्रगलर्स थे, ज़िंदगी भर ताउम्र स्ट्रगलर्स ही रहेंगे, क्योंकि इंसान एक भगवान ने जो चीज़ बना दी है कि उसको सब कुछ चाहिए। गाड़ी बाइक नहीं होगी तो, बाइक होगी तो गाड़ी चाहिए होगी, गाड़ी होगी तो उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर। ये ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी को ज़रूरत के हिसाब से जीना चाहिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और सवाल आपका, इसके अलावा लुक के बारे में काफ़ी कुछ आपने बोल दिया है, लुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए। लुक यार अपना तो एक ही फार्मूला है, खाओ जो मन भाए, पहनो जो जग भाए। तो आप लोगों को अगर लुभाता हूँ तो बस यही मेरी जीत है। और कहते हैं कि जब भी मैं क्लीन से ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, फेस मास्क, फ्रूट्स खाया करो, पानी ज़्यादा, नारियल पानी पिया करो सुबह उठकर रोज़, तो ये मेरी लुक का राज है। शिवम, बहुत सारी चर्चा है कि इस साल आप बिग बॉस में जाने वाले हो, उसके चर्चाओं में क्या कुछ ऐड करना चाहोगे, कुछ बता दीजिए दर्शकों को, जो चाह रहे हैं आप बिग बॉस में देखो। मैं तो बस होए वही जो राम रची राखा, प्रभु श्री राम ने जो लिख दिया, ऊपर वाले ने जो लिख दिया, खुदा ने जो लिख दिया, वो मुकम्मल होनी है चीज़ें। बाकी भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो अभी मुझे शायद रूमर्स आ रहे हैं, पता नहीं सलमान खान साहब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। अगर नहीं कर रहे तो भी जाना है, कर रहे हो तो भी जाना है, मतलब अगर वो कर रहे होंगे होस्ट तो मेरा ज़्यादा मन है इस साल जाने का, अगर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सलमान खान ही बिग बॉस का, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं है, इज़ द बेस्ट। आपके कोई खास मित्र शो में गए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नीति टेलर को मैं जानता हूँ, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी जब मैं लॉकअप में था, और मैंने बाहर आकर, मेरी सिस्टर हैंडल कर रही थी मेरा अकाउंट, तो मैंने मैसेजेस पढ़े थे। तो नीति टेलर, सभी अच्छे हैं, और निया शर्मा भी अच्छा है, वो भी शर्मा जी हैं, तो बहुत इन दोनों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चल रहा है, हर बंदा अपनी अपनी लॉबी बना रहा है, तो हम भी अपनी लॉबी बना लेते हैं। बाकी महादेव की कृपा है, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। चलें, अमृता, थैंक यू जी। मैम पहले तो
आईजी अवार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? I think this is a wonderful platform and congratulations to all the nominees and well, looking forward for a lovely evening. And ma'am, what kind of flavors you are going to add to IG Awards tonight? What kind of flavors I'm going to add? Oh, well, glory be to all the artists. I think that's what IG Awards are what IG Awards are all about. So, well, good. What do you want to say about your look, ma'am? You're looking very beautiful. Tell us something about your look. Tell me. Oh, God. What can I say? This is a compliment that she would be getting every minute, I guess. Amrita here. Hi. Hi, lovely. You're looking lovely, ma'am. Thank you. So, I just... ma'am. I would just... So every minute. Yeah, sorry. हम क्या कहें, दुनिया कहती है, सो थैंक यू बस. इसके अलावा हाल ही में आप स्मार्ट जोड़ी में दिखे, आने वाले समय में किस तरह के कुछ रियलिटी शो या फिर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप दिखे? स्मार्ट जोड़ी के बाद फिलहाल हम कर रहे हैं DID सुपर मॉम्स. स्मार्ट जोड़ी के बाद फिलहाल हम कर रहे हैं DID सुपर मॉम्स, जहाँ पर हम मॉम्स को जज कर रहे हैं उनके डांसिंग कैपेबिलिटीज़ को लेकर, जिन्होंने पहले कभी डांस नहीं किया था और अब एक नई सीरीज से शुरुआत करने जा रहे हैं. सो रियली एन्जॉइंग दैट एंड फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई कैन बी पार्ट ऑफ अ शो जहां पर औरतों को एक मंच मिल जाता है अपना हुनर दिखाने का और आगे बढ़ने का. एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव दीज टू ब्यूटिफुल लेडीज अलॉन्ग विद मी एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस अवार्ड ऑल्सो. बीइंग अ ग्रेट मॉम, हु इज योर फेवरेट सुपर मॉम? सुपर मॉम मेरे मेरे ख्याल से तो हर औरत के लिए अपनी खुद की माँ सुपर मॉम ही होती है. और बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलता है. सो चीयर्स टू ऑल द सुपर मॉम्स. इसके अलावा कितनी खुशी मिलती है शो को जज करना, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है अभी रियलिटी शो से आप आए जी, फिर एक रियलिटी शो को जज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट चैलेंज. हाउ डू यू टेक दिस चैलेंज? फॉर्चुनेटली हम एलिमिनेट नहीं कर रहे कंटेस्टेंट्स को, पब्लिक एलिमिनेट कर रही है, इसलिए हमारे लिए तो आसान है. एज अ जज हम लोग वहाँ पर बैठते हैं, सबको प्रोत्साहन करते हैं टू बी एबल टू शो देयर टैलेंट एंड बी ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम. बहुत सारे लोग हैं जो सीधा किचन से स्टेज पर आए हैं. सो हमको भी सीखने को मिलता है कि जब साहस होता है किसी औरत में तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है. सो वी गेट इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट देम. राइट, थैंक यू. थैंक यू सो मच. नकुल भाई यहाँ पे भी हेलो, हाय, कैसे हो यार? I see you more than my family nowadays, I feel. Same here. Great to see you. जी शुरू करें. ये नकुल जी, पहले तो इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? How excited are you? I'm very excited. I think every time आपको एक अवार्ड से ऑनर किया जाता है या सम्मानित किया जाता है, वो सिर्फ आपका नहीं होता, वो हर एक इंसान का होता है जो आपकी इस जर्नी में आपके साथ जुड़ा हुआ होता है. सो आई फील यू नो एवरी ऑनर कम्स विद इट्स ओन सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन
कहीं ना कहीं आपको बताता है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो एंड इट फील्स ग्रेट। एंड किस तरह का अवार्ड आपको मिलने वाला है जुलाई को? पता नहीं यार, मैं मुझे तो ऐसा कहा गया है कि मैं टेलीविजन में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो शायद उसी के लिए कुछ मिल रहा होगा, तो वील फाइंड आउट यार। 3 days left for बड़े अच्छे लगते हैं। Yes. Great year. What do you want to say about this journey? So excited. In fact, आज हमारे सेट पे बड़े अच्छे पे हमने there was a little celebration. एक साल कंप्लीट हो रहा है, वी आर ऑल्सो मूविंग सेट्स, सो वी आर लीविंग आर ओल्ड सेट्स। सो आज हमारा आखिरी दिन था उस सेट पर शूट करने का जिसपे हम एक साल से ज़्यादा भी शूट कर रहे हैं। बिटर स्वीट मोमेंट, यू नो, नई जगह जा रहे हैं, बट ऑल्सो यू नो एक साल सब लोगों ने मिलकर इतना काम किया है, रातों की नींद सबकी गई है, पीपल हैव फॉलन सिक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट वी मेड सम गुड प्रोग्रामिंग एंड आई थिंक वन ईयर मीन्स a very successful journey. I'm very happy. How do you see aage kya soch rahe ho? Next week se fresh shuruaat hogi, nayi week ki shuruaat hogi, uske baad yaar abhi to main soch raha hu award lene ke baad main dinner mein kya khaunga, main utna hi aage ka soch raha hu. और सर हमें पता है आप पोएट्री काफी अच्छी बोलते हो, काफी अच्छी लिखते हुए हो। हाँ। कुछ मैं आपके लिए स्पेशल लिखने वाला हूँ क्योंकि आप हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ आज हमारे दर्शकों को एक लाइन आज नहीं यार, आज मैं 12 बहुत लंबा शूट करके आया हूँ, आई एम रियली टायर्ड, बट अगली बार आऊंगा आपको कुछ सुनाऊंगा जरूर। थैंक यू नकुल भाई, ये विशेष अलग है। अच्छा है ना, दिमाग लगा के फैशन डिजाइनर वाला दिमाग लगा। हाँ जी, हाँ सेंटर ही देखा। क्या कहना चाहोगे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड के बारे में? हाँ जी, व्हाट काइंड ऑफ फ्लेवर्स यू आर गोइंग टू ऐड फॉर दिस अवार्ड? वेल, आज की शाम हम लोग आईजे के लिए यहाँ पर हैं, सो आई एम बीइंग अवार्डेड एन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर ऑन टेलीविजन एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर एंड एन ऑनर। सो बस कलेक्ट कर रहे हैं कुछ अवार्ड्स। एंड आपके प्लेजर की मैं बात करूँ, देयर सो मेनी थिंग्स आई कैन सी, आई लव जो फ्लैग बनाया रंग बिरंगे हुए। यस, क्या कहना चाहोगे इस फ्लैग को, हाउ डू यू सपोर्ट दिस? देखो, थॉट तो बहुत सिंपल सा था, टू जस्ट लुक अ लिटिल फंकी, so that's what we put together, so I had a couple of options and so just trying to look a little different on the red carpet with some funky shoes, funky jacket, and that was the idea, not specifically sending out a message or anything. Are you nominated for any category? Haan ji, for getting an award for best actor television. And Jalad Nikla Ja aa raha hai, koi aapke dost koi mitra gaye is baar? मैंने अभी देखा नहीं, आई हैव नॉट चेक मच। सो इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट को टी सीरीज, पिछली बार भी टी सीरीज के पीछे पड़े हैं, रिलेशन बिटवीन यू एंड टी सीरीज, आई एम वेटिंग, लेट्स सी कि टी सीरीज के साथ क्या नया निकलता है, एंड बट देयर अदर सॉन्ग्स दैट आई एम डूइंग, सो आई एम इन द प्रोसेस फॉर दैट। थैंक यू इधर विजुअल्स कर, अब इधर विजुअल कर, इधर सेक्टर को मार Yeah.
पीछे पीछे या पीछे जा थोड़ा सा पीछे पीछे हो जा पीछे हो जा Today I took
2 hours to get ready. Yeah. And उसके आने वाले समय में जिस तरह परवा एक शानदार शो रहा है आपके तरफ से रश्मि मैम भी थी कुछ फिर से हम कोलैबोरेशन देखने मिल रहा है कोलैबोरेशन जरूर होगा दो मतलब अक्टूबर में नाम रिलीजिंग माय नेक्स्ट सिंगल बट आई एम लुकिंग फॉर a collaborator like a good looking man to feature in my videos so if you have any suggestions please message me on my Instagram and tell me yeah because I'm doing a folk song this time and I want to feature a really sweet looking guy iske alawa koi reality show mein aap jana pasand karoge jhalak aa raha hai koi aapke favorite ab judge karenge jaise pehle karte the na abhi ho gaya participant ho gaya abhi ek saal kar diya covid mein I want to judge something nice so jab hoga I'll definitely let you know but I'm sure hoga चाहता था बिग बॉस में भी यही कहा था कि जब तक हूँ सबको एंटरटेन करता रहूँगा और देखिए सपना सच हो गया आजकल आई एम बीइंग अवार्डेड द बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे अवार्ड्स में जाकर क्योंकि ये अवार्ड्स आपको आपके काम के बारे में प्रशंसा देते हैं आपको ग्लोरी देते हैं हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हैं सो इट्स वेरी नाइस टू बी एट एन अवार्ड कितनी खुशी होती है इस तरह का टाइटल मिलना एंटरटेनमेंट करना हमने देखा था बिग बॉस में 24 आवर्स आपने एंटरटेनमेंट किया कभी सुबह उठ के बोलबम का एक लेक्चर देते थे
आज हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा लेक्चर जो सुबह उठ के आपको बिग बॉस में मैं सुबह के समाचार देता था और शाम का विवरण भी देता था कि पूरे दिन घर में क्या हुआ है। तो आज मैं बताता हूँ कि आज आपको बता देता हूँ कि आज यहाँ क्या हुआ है। हम पहुँचे हैं एक अवार्ड फंक्शन में, बहुत ही कमाल का अवार्ड है जिसका नाम है IGA यानी कि इंडिया ग्लोरी अवार्ड्स। और ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि शमिता अक्का की बहन यानी कि मेरी बड़ी अक्का शिल्पा शेट्टी के हाथों अवार्ड मिलने वाला है। तो आज दुगनी एक्साइटमेंट है, एक तरफ बेस्ट एंटरटेनर, दूसरी तरफ शिल्पा अक्का से मिलता हुआ अवार्ड। तो सोने पर सुहागा, देखते हैं आगे क्या होगा। अवार्ड लेकर फिर पहुँचता हूँ आपके पास। बोल बाप, एक सेकंड सर, यार इट फील्स फैंटास्टिक। मैं बहुत सालों से काम किया है पर हमारी इंडस्ट्री अलग थी, अब थैंक्स टू डिजिटल एंड OTT अलग हो गई है। और मुझे लगता है आज के डेट में मेरिट, थैंक्स टू द ऑडियंस, कि मेरिट रिकग्नाइज हो रहा है और ये बदलाव इंडस्ट्री के लिए नेसेसरी था। यू नो, इफ यू वांट एनी ग्रोथ इन समथिंग, दिस काइंड ऑफ अ शेकअप हैज टू हैपन। जिस तरह का प्यार आपको हाई और इनसाइड एज 3 में मिला, क्या कहना चाहोगे? डू यू थिंक OTT इज ब्लेसिंग फॉर यू? ओ मैन, मैं यार जिन्हें रहता तो ये सवाल नहीं पूछता। मैं इतने खूबसूरत लोगों के साथ बात नहीं करता अगर OTT एग्जिस्ट नहीं होता, बिकॉज बहुत कम फिल्में बनती थी उस वक्त और एक फिल्म पूरी इंडिया के लिए बनती थी। आज के डेट में अलग अलग देश इतना बड़ा है, इतना पॉपुलेशन है, अलग अलग मिजाज है लोगों के, अलग अलग चॉइसेस हैं। टुडे थिंग्स आर मेड फॉर डिफरेंट पीपल एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। इनसाइड एज 4 कब तक आएगी एंड एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? वो फरहान और रितेश सिद्धवानी से पूछना पड़ेगा इनसाइड एज सीजन 4 के बारे में एंड Amazon Prime, मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है। बट आई बीन वर्किंग ऑन अ बंच ऑफ फिल्म्स। वन इज अ फिल्म कॉल्ड एक कोरी प्रेम कथा, वन इज अ फिल्म कॉल्ड वर्चस्व विद मी एंड रवि किशन, वन इज अ मतलब मैं क्या अनाउंस भी कर सकता हूँ वो भी सोचना पड़ेगा। देर इज ऑल्सो वन मोर फिल्म कॉल गैसलाइट विद सारा अली खान एंड विक्रांत मैसी एंड चित्रांगिता। तो 3-4 फिल्में हैं, कुछ वेब सीरीज हैं, कर रहा हूँ मैं। इनसाइड एज 3 में इंडिया पाकिस्तान दिखा और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उस मैच? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थैंक्स टू इनसाइड एज। एक्चुअली थैंक्स टू द मेकर्स ऑफ इनसाइड एज, करण अंशुमन, फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी। मैं क्रिकेट खेलता नहीं था पर मुझे मौका मिला और मैंने बहुत मेहनत की एंड उसके बाद मुझे क्रिकेट से लगाव हो गया है। सो एंड नाउ दैट इंडिया इज प्लेइंग एंड इंडिया से तो लगाव है ही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुमारोज़ मैच एंड इंडिया ही जीतेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट रुको, मुझे निकालने दो। हाँ, award ceremony and they have put in a lot of efforts to organize it well, so I wish them all the best. Are you nominated for any award? No, the PR here does my PR, so she invited me, so I'm a guest. And what do you want to say about your look? You are looking very beautiful today. Thank you. Yes, I'm wearing a beautiful sari by a celebrity designer called Pritesh Shah. And I just got an award at another award ceremony, in fact, right now. Niche magazine just awarded me as an international viral sensation. There's my certificate. I'm. What happened to the light? Okay. So I'm very happy and excited to be back in Bombay. And I hope that, you know, everything falls into place and things finally start rolling. Yeah. Any upcoming project? Yes. I've got something interesting happening in the back end, but I'm not going to talk about it. I've just released my web series, Abhi To Party Shuru Hui Hai, on Funflix app, and also launched a song in my own voice,
which is with the same name. Abhi to party shuru hui hai. I'm getting fabulous response for the song, by the way. Within a day, there were 1,500 reels on Instagram with the song. So people are liking it, and I feel really humbled because I've done Riyaz for 6 months. I've really slogged my butt for it. So now that it's getting a good response, I feel very heartened. Thank you so much, man. Thank you. Sir, congratulations. आज आपको award मिला है digital के sensational star app. यार मुझे मिला है award for best anchor across TV, digital and events. मैं thank करना करूँ मेरी daughter Adhira, daughter Saisha, मेरे माँ बाप को, मेरे wife नेहा को, उनका support मिलता है, प्यार मिलता है, तो और जज्बा और जुनून है कुछ कर दिखाने का. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारे फैंस का, व्यूअर्स का, जिन्होंने इवेंट्स हो, टीवी हो, मेरे यूट्यूब वीडियोस, इंटरव्यूज़ को ट्रेंड करवाया है टू मेक इट प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर इंटरव्यूज़ एवर. और ये सब मीडिया का सपोर्ट है, आप लोगों का सपोर्ट है. और मैं वादा देता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा टू डू ट्रेंड सेटिंग इवेंट्स, टीवी, डिजिटल, सब कुछ, क्योंकि अभी तक मैं स्टूडेंट हूँ दिमाग और दिल से. ओके, कोई एप्रिसिएशन आपकी डॉटर ने दी हो आपको? कितनी खुशी मिलती है फैमिली के सामने अवार्ड पाना? मुझे बहुत खुशी मिलती है यार. मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ ऊपर वाले से कि जो भी मैं करता हूँ मेरी बेटियों के लिए करता हूँ, धीरा साइशा, मेरे फैमिली के लिए करता हूँ. इसलिए मैं बहुत फेयरलेस हो जाता हूँ. मुझे लगता है मैं हार नहीं सकता क्योंकि मेरे परिवार मेरे साथ है. और आज सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटियों के सामने मैंने ये अवार्ड जीता है. थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, आँख में आंसू भी आ गए थे बीच में, बट ये सब उनके लिए करता हूँ यार. How you feel your father should get an award? I feel very happy. See, what do you want to say? Say you feel happy. Thank you. Thank you, brothers. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.